ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत कम प्लेस देखे हैं और एज एन एक्टर आई रियली फील कि बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए बिकॉज देयर आर नो रीटेक्स, देयर इज नो कट और मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी. तो व्हेन आई सी देम प्ले डूइंग दैट एक्ट आई फील लाइक ओ माय गॉड हाउ कॉन्फिडेंट दे आर एंड आई थिंक दैट इज द रीजन आई एंजॉय वॉचिंग प्ले बिकॉज कहीं ना कहीं व्हेन आई कीप वॉचिंग प्लेज मेरा कॉन्फिडेंस पर्सनली भी बढ़ता है. सो या बट आई हैव सीन दिस इज लाइक माय 5th और 7th प्ले आई गेस दैट आई एम सीइंग. आपका तो डबल ट्रबल में जो मेन कास्ट में है स्माइली सूरी है, स्माइली सूरी कलयुग में आ चुकी है, कलयुग देखी थी आपने? ऑफ कोर्स देखी थी. आई थिंक शी इज अ क्यूट एक्ट्रेस यार, शी इज अ वेरी पता नहीं वो डबल ट्रबल में कैसे आई थिंक वो डबल ट्रबल में फंस जाएगी बट आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि स्माइली सूरी का भी डेब्यू हो रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो प्ले वाइज मैंने और स्पेशली आई एम स्पेशली फॉर रिधि बिकॉज शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड. We've been together on Khatron Ke Khiladi, so I'm here to support her and it's excellent to be a part of any show, I guess. Honestly speaking, मैं हमेशा डांस करके आई हूँ, मैं कभी एक्टिंग नहीं कर पाई हूँ. मुझे हमेशा लोगों को देख के पता नहीं क्यों शर्म आ जाती है और मैं कभी एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ. बट या मैं डेफिनेटली अगर मौका मिला तो लाइव आई डोंट नो बट करना चाहूँगी. थैंक यू. यार मैं खुद प्लेस से जुड़ा हुआ हूँ सो प्लेस देखना हमेशा इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग फॉर एनी एक्टर फॉर डायरेक्टर एंड सो इज अ प्लेजर टू बी एसोसिएटेड विद थिएटर. मैं अभी एक प्ले कर रहा हूँ ललित दुबे के साथ जो कि 7 साल से चल रहा है वेडिंग एल्बम एंड वी ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड पारितोष और उनकी जो प्लेज है सूरी के बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, एक अलग फ्लेवर लेके आते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड फन टू कम एंड सी द प्ले. जैसा आपको मालूम है डबल ट्रबल में जो लीड कास्ट में स्माइली सूरी है, स्माइली सूरी ने कलयुग की थी, किस तरह की एक्ट्रेस पाते हैं आप स्माइली सूरी? फाइन एक्ट्रेस एंड आपने कितनी भी फिल्में करी हो सील करी हो जब आप थिएटर में आते हैं आप प्ले करते हैं उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर द एक्टर ऑल्सो ऑल द एक्टर्स एंड द ऑडियंस ऑल्सो. मुझे ज़्यादातर हिंदी थिएटर पसंद है बट मैं एज अ डांसर इंग्लिश थिएटर कर चुका हूँ बहुत सारे. सो अब मुझे एक्टिंग करने का मौका नहीं मिला इंग्लिश थिएटर में या हिंदी में बट आई लुक फॉरवर्ड एंड टेक आउट टाइम फॉर इंग्लिश प्लेज. मेरे हिसाब से ज़रूरी है बट मेरे हिसाब से सिर्फ लाइन लाइन लर्न करने के लिए ज़रूरी होता है. परफॉर्मेंस तो कैमरा डिफरेंट कैप्चर करता है और ऑडियंस एक डिफरेंट रिएक्शन देती है. सो स्माइली सूरी से बेसिकली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो सडनली इतना लाउड कॉमेडी कर पाएंगे नहीं. यू नो ज़्यादातर लोग परितोष बलविंदर ये सब लोग को देखते हैं कि स्लैपस्टिक कॉमेडी है बट यस सरप्राइज आइटम होगा कि स्माइली सूरी लोग देखेंगे एक कॉमेडी करते हुए. सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैं 2 शोज़ कर रहा हूँ एक स्टार प्लस के लिए और 2 फिल्में कर रहा हूँ बट वो 2016 में रिलीज होंगे. थैंक यू. डबल ट्रबल ये शो आप लोग देखने के लिए आए कितने एक्साइटेड हैं आप परितोष? इसमें बहुत सारे दोस्त इन्वॉल्व हैं. परितोष को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. वो पहले एक फिल्म बना रहे थे जिसमें मैं हीरो होने वाला था बट वो फिल्म हुई नहीं. यू नो पता है. हाँ तो परितोष एक फिल्म बनाने वाले थे जिसमें मैं हीरो होने वाला था बट उनके जितने भी प्लेज होते हैं आई ऑलवेज कम फॉर द प्रीमियर. तो एक एसोसिएशन बना हुआ है, दोस्ती है एंड ये प्ले इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है स्माइली वो परफॉर्म करने वाली है, उनका डेब्यू है. एंड अगर आज मैं बिजी भी होता या शूट पर भी होता आई वुड हैव श्योरली कम क्योंकि स्माइली को सपोर्ट करना. आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्ले की कितनी शौकीन है? प्ले कितना देखना? आई थिंक मूवी से ज़्यादा मुझे प्लेज का ज़्यादा शौक है एंड आज जब मौका मिल रहा है तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा और हम लोग एक्चुअली स्माइली को श्योर करने के लिए आए हैं एंड टू विश हर ऑल द बेस्ट फॉर थिएटर डेब्यू. मैं सिर्फ होप करता हूँ और प्रे करता हूँ कि स्माइली कोई गलती ना करे, अच्छे से पूरा प्ले कंप्लीट करे. और मैं नहीं चाहता कि वो स्माइली ऐसी है कि अगर वो कोई लाइन भूल जाएगी ना तो वो ऐसे करिए ऐसे, वो ऐसे ना करे, बस स्मूथली वो प्ले कंप्लीट हो जाए. वो अगर गलतियाँ करे तो उसे ही पता हो. तो बस कॉन्फिडेंट रहो, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो सो आई एम श्योर कि सबको बहुत मजा आएगा. थैंक यू. प्ले की कितनी बड़ी शौकीन है आप?
they would translate as wonderfully on camera, because there is something called an X factor that the camera picks up on. But it's a wonderful instrument to grow and evolve as an actor. Of course, I'm here for Smiley, and I'm so proud of her. ये उनका पहला play है, and I think बहुत अच्छा वक्त आ गया है, दौर आ गया है जहाँ पे और भी लोग जो एक समय था जब एक type of लोग ही theatre करते थे. Now I think it's so nice and so wonderful for the platform that younger actors who are in film are also doing theatre. I know Kunal Kapoor, another friend of mine, recently did a play for Prithvi. So it's really nice to see that. Thank you. बहुत बड़े director हैं. जी. Play के कितने बड़े शौकीन हैं आप? Live play. Well, actually मैं ये कह सकता कि मुझे बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट प्लेस के लिए होता है. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मुझे कभी एक प्ले डायरेक्ट करने को मिला नहीं है, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल अदर मीडियम, समथिंग दैट आई एम वेरी बैड एट एंड आई हैव नेवर रियली डन एज सच, बट इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर समवेयर एंड सीइंग स्माइली परफॉर्म फॉर परितोष प्ले, एंड दैट्स व्हाट द ग्रेट एक्साइटमेंट फॉर मी इज. जी वही वही एक्चुअली हर डायरेक्टर को असल में अपने एक्टर्स इज एंड प्लस शी इज माई सिस्टर, यू हैव योर पोजेसिव अबाउट देम, बट टू सी हर नाउ डूइंग फॉर प्ले विच आई थिंक इज अ मोर प्योर फॉर्म ऑफ एक्टिंग, आई थिंक दैट इज अ बेटर प्लेस टू बी. आई थिंक क्या करें जी मुझे लगता है कि लोग जो अपने अवार्ड जो अपना अवार्ड अचीव करते हैं दे हैव द फुल राइट टू इवन गिव इट और नॉट गिव इट, इट्स देयर अवार्ड, चाहे वो रिटर्न किसी और को करे या किसी और को री अवार्ड करे. अक्सर लोग इसकी बात करते थे, जब मुझे याद है कोई काफ़ी सीनियर्स अपने अवार्ड किसी और को अवार्ड करते थे क्योंकि एज अ जेस्टर ऑफ शोइंग ग्रेट अचीवमेंट, सो व्हेन देयर इज अ डिसअचीवमेंट रिटर्निंग अवार्ड इज कम्प्लीटली योर प्रेरोगेटिव, आपका अवार्ड है, दैट्स योर राइट टू डू व्हाट यू वांट टू डू. मेरा फेवरेट जॉनर है, बहुत पसंद करते हैं, व्हाई नॉट, एंड स्पेशली कॉमिक हो तो देन ऑफ कोर्स. और एक सक्सेसफुल रियली, लेकिन आई थिंक इट्स एन एडेड एडवांटेज क्योंकि आप इनहिबिशन छोड़ के लाइव ऑडियंस के सामने रहते हो, रीटेक नहीं हो सकता, सो इट गिव्स यू प्रैक्टिस टू बी कॉन्फिडेंट. परितोष एंड बल्लू का कॉम्बिनेशन, मैंने इनके सारे प्लेस देखे हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है हंसने में. सो बेसिकली मैं थिएटर की बहुत शौकीन हूँ, स्पेशली जब परितोष का प्ले होता है तो आई हैव टू कम बिकॉज उसके प्ले में जितनी लाफ्टर होती है, लाउडर लाफ्टर होती है, वो कहीं और नहीं होती है. और ये डबल ट्रबल में एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर ऑब्वियसली जयेश और परितोष और बल्लू की केमिस्ट्री तो अच्छी होगी, लेकिन जो दो लड़की है नहीं, उनके लिए टफ टाइम होने वाला है. आई वांट टू सी हाउ दे सर्वाइव एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ सुपर प्ले एंड आई एम रियली लुकिंग फॉर लाउडर लाफ्टर. जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हमेशा अपनी मेमोरी चेक करनी चाहिए अपनी, एंड लाइव ऑडियंस का मजा ही कुछ और होता है. सो आई एम श्योर ऑल एक्टर्स लव टू डू स्माइली को. मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी, यस दिस इज हर डेब्यू एंड उसने बहुत सही लोगों को चुना है अपना प्ले करने के लिए, परितोष एंड गैंग एंड डबल ट्रबल, बिकॉज प्ले तो सब देखते हैं लेकिन इसके रिहर्सल पे जितनी मस्ती होती है ना वो मुझे पता है, बिकॉज आई डन प्ले विद देम, सो इट्स अ लाफ्टर एंड लाफ्टर एंड लाफ्टर. थैंक यू. मैं तो बहुत पसंद करती हूँ. आई थिंक एज एन एक्टर जो इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑडियंस से मिलता है, आई थिंक उसके मुकाबले स्क्रीन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करते हैं, आपने अच्छा क्या बुरा किया आपको वैसे ही पता चल जाता है. सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. वेल, आज
के ज़माने में आई डोंट नो कितना ज़रूरी होता है. आई थिंक पहले बहुत लोग जो थिएटर करते थे फिर यू नो फिल्म्स में आते थे बट या टेलीविजन में आते थे बट आई थिंक थिएटर का एक अलग ही यू नो स्टाइल ऑफ एक्टिंग भी होता है, एक अलग यू नो एक्सपीरियंस होता है ऑल टुगेदर. तो मुझे नहीं लगता कि वो थिएटर करना ज़रूरी है आपको टेलीविजन या फिल्म्स में काम करने के लिए. बट येस फॉर एन एक्टर आई थिंक थिएटर एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक उनका फर्स्ट प्ले होगा, मैं जानती हूँ शायद उन्होंने पहले कभी प्ले नहीं किया, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी कि वो लाइव परफॉर्म कैसे करती हैं. सो या लेट्स सी. एंड ऑफकोर्स मतलब पारितोष जो डायरेक्टर हैं और एक्ट भी करें मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड मैं उनके प्लेस में काम भी कर चुकी हूँ, सो आई नो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट प्ले. लाइव थिएटर पहली बार कर रहे हैं, पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं परितोष पेंटर के डबल ट्रबल के लिए. मेरा पहला ये एक्सपीरियंस है. मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार स्टेज पे एक्टिंग करने वाले हैं. डांस बहुत बार किया है, बहुत बार एंकरिंग भी की है मैंने, बट दिस इज़ न्यू एंड इट्स दिस बटरफ्लाई इन द स्टमक. और आप लोग यू नो इस साल एक साल पहले इस दिन मैं खतरों के खिलाड़ी के लिए निकली थी और आज मैं ये कर रही हूँ और सेम फीलिंग है, सेम फीलिंग, देयर इज नो डिफरेंस. फोटो बॉम्बर या बहुत फनी है. कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो ट्रबल नहीं है जिसमें, हर एक चीज़ में ट्रबल है और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फन है. That's what we find. बहुत लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए उसके लिए आप प्ले देखिए. और एक मुंबई कितना वाइब्रेंट शहर है, कैनेडा की सबसे बड़ी कला इंग्लिश थिएटर या लाइक हिंदी थिएटर कितना वाइब्रेंट है, कितना प्रोफेशनल है. Mumbai is the heart of theatre, it's the heart of anything to do with acting, performing arts. So it's rightful ki yahan pe plays hote hain aur ek culture hai theatre culture. While rehearsing mujhe bhi bahut kuch pata chala hai theatre culture ke bare mein, you know kaise theatre artists, you know how they live, how they work. So it's new and it's different and it's amazing ki ye hota hai and I hope ye flourish karta rahe hamesha. Hamare liye theatre ka experience mere hisab se Mumbai New York ke Broadway ke jaisa. लकीली फॉर अस हमारे लिए ये थिएटर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था परितोष पेंटर और ये हमको थिएटरिश जो स्ट्रगल वाली फीलिंग या चाय पानी कुछ नहीं मिलता, हमने बहुत खाया, बहुत मस्ती की और वो आपको दिख जाए. हमें यहाँ पर छोटी सी झलक देखने को मिल सकती है, नहीं 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 बाय जी. ये तो आपका गिला बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं 24 में थी और उसके अलावा मैं प्लेस कर रही हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ और एड्स वगैरह तो ऑन ही रहते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है. बट यस आई हैव बीन सिलेक्टिव.